अपने आलियान कराची के साथ के आपके साथ तो बाबा जान की बड़ी खसूसी मोहब्बत है, और मैं उस मेंबर से आपसे मुखातिब हूं जिस मेंबर ने घर साहेब हंगामा न हो मेंबर ओ मेहराब दी बंदा ए मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। इकबाल कहता है अगर साहेब हंगामा न हो मेंबर ओ मेहराब आज जगह नहीं तोड़ियां जानियां, मरकज नहीं तोड़े जाते, गल तोड़ी जाती हमेशा गल तोड़ती के जड़े ने मैदान में अमल ते गल की के फिर गल करके उससे डटना भी फिर नसना नहीं भजना नहीं फिर उस गल दे उते डटना यही कमाल रखता। अफगानिस्तान के मुजाहिद आए उन्होंने कहा जनाब कि तुसी अमीरुल मुजाहिदीन के बारे की तासुरात रखते हो। उन्होंने कहा हमने भी जिहाद किया है, जब अमेरिका के जहाज बमबारी करने के लिए आते थे हम अपनी पनाहगाहों में गारों में पहाड़ों में जनाब पनाह ले लेते थे और छुप जाते थे, जब वो वापस जाते थे फिर हम उनको निशाना बनाते थे। अमीरुल मुजाहिदीन तो एक अजीब किस्म का मुजाहिद था, मैदान में खाली हाथ बैठ कर कहता था कि सितमगर दरा हुनर आजमाए, और कहता है फिर अजब बात यह है कि हमें यकीन होता था कि साथ वाले उठ जाएंगे दाएं बाएं हो जाएंगे, वो शख्स तो एक कदम भी आगे नहीं जा सकता लेकिन अल्लाह ने उसकी इस्तेकामत का हाल ये रखा कि सब उल्टे हो गए, अल्लाह ने उनकी बात का हर भरम रखा, यह है उनके इस्तेकामत का हाल। और अमीरुल मुजाहिदीन आपसे खुसूसी प्यार करते थे, आपने सुबह निकलना है, और बड़े मजे की बात है इस निज़ाम को हम क्या कहें, थोड़ा सा हो जाए जी इस निज़ाम पर भी, इस निज़ाम को हम क्या कहें, जिनको पूरे कराची से उम्मीदवार नहीं मिले वो सुबह जीत जाएंगे भाई, जिनको हर वार्ड से एक वार्ड से एक काउंसलर नहीं मिल रहा वो कहें कि हमारे वोट ज्यादा है। मुझे बताएं सबसे ज्यादा उम्मीदवार किसके हैं कराची में, हमारे यहाँ कराची में सबसे ज्यादा उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैं कराची में, ठीक है जी, और कराची में सबसे ज्यादा बसने वाले कौन है, लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वाले हुजूर के गुलाम। जब उम्मीदवार भी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के, कहने वाले भी लब्बैक या रसूलल्लाह, तो फिर हम कैसे इस निज़ाम को मान लें कि सुबह कोई और जीत जाएगा। हाँ उसके लिए आपने एक काम करना है कि आपने सुबह निकलना है, वो साबिया तो अपना दूध पीता बच्चा भी ले आई थी हुजूर की बारगाह में कि या रसूलल्लाह इसे ले जाएं किसी साबी के पास, अगर ढाल ना हुई आपके गुलाम के पास तो ये तीर रोकने के काम आ जाएगा, दूध पीता बच्चा, तो यार आप अपने घर वालों को लेकर सुबह करेन पर ठप्पा नहीं लगवा सकते, ये कैसी बात है। आपने सुबह निकलना है और अपनी घर वालों को भी लेना है और कहना है कि हम जनाब दुनिया देखने के लिए सैर व सियाहत के लिए और दाएं बाएं रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए तकरीबात में जाने के लिए तो जिंदगी में गए हैं, आज हमने हुजूर के लिए जाना है और हुजूर के नाम पर और हुजूर के दीन के लिए करेन पर मोहर लगानी है, और करेन पर मोहर लगाकर कहना है कि या रसूलल्लाह मेरे बस में इतना था कि मैंने करेन पर मोहर लगा दी, अब आप अपने गुलामों को मजीद नुसरत और फतह दें और इनको मजीद तकवीयत दें कि ये जुल्म के खिलाफ खड़े होकर हुजूर के दीन को तख्त पर लाएं। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इल्तिजा करनी है कि आपके गुलाम बेसरो सामानी के आलम में, हमारे पास कोई करप्शन का पैसा नहीं, कोई लूट मार का पैसा नहीं, कोई ब्लैक का पैसा नहीं, कोई आलमी एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए पैसे नहीं, कोई इस पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए पैसे नहीं, हमारा किसी कब्जा माफिया से कोई ताल्लुक नहीं, किसी जनाब ब्लैकी से ताल्लुक नहीं, किसी जनाब रस्सागीर और भत्ता खोरी से ताल्लुक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 2018 से अब तक तहरीक लब्बैक बिल्कुल फाल है पूरे कराची में, लेकिन कोई एक शख्स साबित नहीं कर सकता कि तहरीक लब्बैक के किसी एक कारकुन ने भत्ताखोरी के नाम पर एक रुपया भी लिया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकाबला उनसे है जिन्होंने बोरियों में लाशें बंद की हैं, जिन्होंने माओ के लाल जनाब बड़े बड़े कीमती लाल हकीम सईद से लेकर हमारे वो आखिरी गाजी तक जिनको अभी डाकुओं ने शहीद किया है, वहां तक इन्होंने बड़े बड़े लोग कीमती उजाड़ कर रख दिए, उनकी जानें ले ली, हमारा मुकाबला उनसे है। आपने निकलना है, हाँ ना ना हम घबराने वाले भी नहीं हैं और ना मैदान छोड़कर जाने वाले हैं, हाँ हम महमूद गजनवी के मानने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी औलाद में से भी हैं और उसके मानने वालों में से है। अभी तो 16 नहीं किए, अभी तो दूसरा पहला हमला है, अभी तो इस निज़ाम पर दूसरा पहला हमला है, 16 भी करने पड़े 16,000 भी करने पड़े हम हुजूर के दीन के लिए आएंगे इंशाल्लाह। अहलियान कराची आपने निकलना है, आपने इन सारे चोरों डाकुओं के खिलाफ खड़े होना है। सारे कहते थे जनाब
कोई मज़हब के नाम पर, कोई दीन के नाम पर, कोई जनाब पता नहीं किस नाम पर आएंगे जनाब, आप हमारे साथ मिल जाएं। मैंने कहा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। हमने ये कहा कि हमारी मफाद परस्त सियासत नहीं है, हमारी जनाब गर्ज की सियासत नहीं है, हमारी जनाब ओहदों और सीटों और लालच के लिए सियासत नहीं है, हमारी क्या है सरवरी दर दीन मां खिदमत करी अस्त। इबाल कहता है हमारी सियासत का मरकज महवर और मंबा ये है कि हुजूर के दीन की खिदमत करनी है। हम तो इसलिए मैदान में आए हैं और आपने बड़े चाले चलाई हैं, बड़ी बार इलेक्शन मुलतवी किया है, हमारे गरीब जो जनाब ठेला लगाते थे, मस्कीन जनाब दुकानदार कारोबारी छोटे बड़े ताजर जनाब, उनके पास जिनके पास कुल जमा पूंजी थी, उन्होंने अपने इश्तहार पोस्टर लगाकर बड़ी मेहनत और बड़ी तगो दो से जनाब वो अपनी कंपेन की है। अब बराए करम अहलियाने कराची से मेरी दरख्वास्त है कि आप निकलें, आपका इख्तलाफ साद रिजवी से है तो बिल्कुल आप रखें, आपका इख्तलाफ हमारी शूरा से है जनाब किसी से है बिल्कुल रखें, लेकिन आपका इख्तलाफ हुजूर के दीन के लिए तो नहीं है ना। आप हमसे इख्तलाफ करते हैं हमारे तरीके कार से, लेकिन जब हुजूर के दीन की बात हो तो हम आपके हैं और आप हमारे हैं। आए बाहर निकले, हुजूर के दीन के लिए करेन पर मोहर लगाएं और सुबह जाकर कराची की तकदीर को बदलें। और ये कहते हैं ना कि जनाब कराची को रोशनियों का, मैंने कहा इंशाल्लाह कराची को नूर का शहर बनाएंगे, क्योंकि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। और ये याद रखना, अगर आप इस बात से कोई लजाजत करेंगे कि जनाब वो है और वो है, आपको किसी और में अगर ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने खत्म नबूवत पर भी डाका डाला, नामू से रिसालत पर भी डाका डाला, आज जात की बात आई है तो जनाब ना इन्होंने दिन देखा ना रात देखा, ना अपने देखे ना बेगाने देखे, आज मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मईशत का लोग कहते थे आप जनाब आए रोज आप रोडे बंद कर देते हैं, मुल्की मईशत खराब हो जाती है। मैंने कहा एक साल हो गया है बल्कि ऊपर हो गया है, रोड बंद नहीं हुई मईशत क्यों नहीं चल रही? शुक्र करो हम हैं, अल्लाह का अजाब नहीं आता। अल्लाह का अजाब इसलिए नहीं आता कि हुजूर के गुलाम मौजूद हैं हुजूर के दीन पर पैरा देने के लिए, दीन के उसूल पर पैरा देने के लिए। हम हैं तो ये बचा हुआ था, अब क्यों नहीं चलते? इंशाल्लाह हम रहेंगे, हुजूर के दीन को लाएंगे और इस मुल्क के ऊपर हुजूर के दीन के परचम इंशाल्लाह लहरा कर दम लेगा। उसके लिए आपने निकलना है, अपने साथियों को निकालना है, अपने घर वालों को निकालना है और लाकर बूथ मर जाकर कहना है कि या रसूलल्लाह मेरी भी साथ में इतना है कि मैं वोट दे सकता हूँ, मैं गाजी मुबशर की तरह जान नहीं दे सकता लब्बैक के नारे पर, मैं जनाब गाजी अदील की तरह ताजदार खत्म नबूवत कहते हुए गोली नहीं खा सकता, लेकिन आपके नाम पर और आपके दीन के लिए मैं करेन पर मोहर तो लगा सकता हूँ। ये मोहर आज भी लगाऊंगा, कल भी लगाऊंगा, जब तक हुजूर का दीन तक पर नहीं आता तब तक लगाऊंगा।